सीजीएल 2021 की फाइनल कट ऑफ के बारे में, कितने कैंडिडेट ने कौन सा पेपर दिया, कितना कंपटीशन बच गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं पूरी प्रोसेस। तो आपकी सीजीएल 2021 में दोस्तों जो टोटल पोस्ट हैं वो 7686 हैं, ठीक है, लगभग 7,500। तो टीयर वन का पेपर जो पास हुए हैं 114,000 अप्रोक्सीमेटली, 113,848 हैं एग्जैक्ट। तो मैथ और इंग्लिश का पेपर हुआ दोस्तों, ये पहला पेपर और ये आपका दूसरा पेपर, ये सभी के लिए कंपलसरी था, ठीक है, जिसने चाहे किसी भी तरह की पोस्ट आपने लेनी है, ठीक है, फॉर ऑल पोस्ट सभी के लिए। तो मैथ के अंदर दोस्तों 87,000 पेपर दिया और इंग्लिश का 87,152 ने, यानी कि मैथ और इंग्लिश, मैथ का पेपर सुबह हुआ था और इंग्लिश का पेपर शाम को हुआ था। तो दोस्तों इसके अंदर भी 300 कैंडिडेट जो हैं अपियर नहीं हुए, सुबह पेपर दिया शाम को नहीं दिया। हो सकता है कुछ कैंडिडेट के साथ क्या होता है कि वो दूर चले जाते हैं खाने पीने के लिए, या दे दूसरा पेपर लेट हो जाते हैं, या फिर देते ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो ये सभी के लिए कंपलसरी था, ठीक है। और टीयर थ्री डिस्क्रिप्टिव पेपर, ये तीन जो चीज़ें हैं ये सभी के लिए कंपलसरी थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरी पोस्ट के लिए, अकाउंट्स के लिए जो डबल एओ का होता है, इसमें 4,442 कैंडिडेट ने पेपर दिया। और स्टैटिक्स जो जीएसओ और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड टू, ये 7,838 कैंडिडेट ने पेपर दिया है, ठीक है। तो टीयर थ्री डिस्क्रिप्टिव पेपर में जो टोटल कैंडिडेट अपियर हुए हैं वो 79,269, यानी कि टोटल जो है ये 114,000 में से 79,269, यानी कि जो कंपटीशन बच गया है वो इन्हीं 80,000 में बच गया है, ठीक है, इन 80,000 में दोस्तों ये कंपटीशन जो आपका बच गया। अब आगे देख लेते हैं, तो अगर मैं बात करूं टोटल पोस्ट 7,876 इतनी है, तो डबल एओ की पोस्ट 525 है, जेएसओ की पोस्ट 110 है, और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट जो है 728 है। तो ये तीनों के मिलाकर 1,363 पोस्ट बन गई, ठीक है, 1,363। अगर मैं इनको निकाल दूं तो यहां पर ये पोस्टें बच जाती हैं 6,323, ठीक है, 6,323। यानी कि जिस कैंडिडेट ने सिर्फ मैथ और इंग्लिश का पेपर दिया है, यानी कि ये पोस्टें उनके लिए हैं, मैथ इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव पेपर जिसने दिया है, ठीक है, ये इतने पोस्टों के लिए कंपटीशन है। और लगभग कैंडिडेट कितने होंगे इसके अंदर, 70,000 के करीब, ठीक है, कुछ मैंने ये निकाल दिए डबल ओ जी एस और स्टैटिकल वाले। तो इतने कैंडिडेट जो हैं दोस्तों, इतने कैंडिडेट लेने हैं और इतने में कंपटीशन बचा हुआ है, यानी कि लगभग 10-11 गुना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने समझनी थी। अब दोस्तों मैं बात करूंगा डबल एओ की कट ऑफ सीजीएल की, ओनली डबल एओ की, जिसने दूसरी पोस्टों के लिए कट ऑफ देखनी है, ठीक है, जिसने दूसरी पोस्टों के लिए कट ऑफ देखनी है, दोस्तों सीजीएल 2021 की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जो है देख पाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम डबल एओ की कट ऑफ देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो दोस्तों जेएसओ की कट ऑफ बनाएंगे, ठीक है, जेएसओ की 2020 की और 2021 की। तो अब बात कर लेते हैं स्टार्टिंग से दोस्तों, यहाँ पर सीजीएल 2018, सीजीएल 2020, फिर सीजीएल 2021 की कट ऑफ हम जो है प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं, इससे पहले भी मैं थोड़ा वीडियो में बता चुका, फिर भी थोड़ा थोड़ा रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों इसके अंदर डबल एओ के अंदर ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, ठीक है, कोई भी इसके लिए एलिजिबल है, कॉमर्स बैकग्राउंड कोई ज़रूरी नहीं है। सीजीएल 2019 का फाइनल रिजल्ट अप्रैल 2022 में आया था, इसकी अलोकेशन अगस्त 2022 में, यानी कि फाइनल रिजल्ट के 4-5 महीने के बाद जो इसकी अलोकेशन हो जाती है, ठीक है, स्टेट की, कि भी कौन सा स्टेट आपको मिलेगा। 4800 ग्रेड पे की नौकरी है और कलर ब्लाइंडनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फिजिकल नहीं होगा, और उम्र है इसके अंदर 18 से लेकर 30 साल तक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सीजीएल 2018 की, सीजीएल 2018 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर टीयर वन की कट ऑफ 170, ओबीसी की 165 और एससी की 148 और एसटी की 141। तो यहाँ पर फाइनल जो कट ऑफ थी वो 547 गई थी, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं डबल एओ की कट ऑफ की बात करूं तो 691 गई थी। तो दोस्तों इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस निकल के आया है, फाइनल कट ऑफ और डबल एओ की, यहाँ पर 140 निकल के आया है और फाइनल माइनस टीयर वन, ठीक है, यानी कि फाइनल इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो ये डिफरेंस है दोस्तों 520 के करीब, ठीक है। तो यानी कि डबल एओ की अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर जो डिफरेंस निकल गया वो कितना निकल गया है, 140, और इसमें डिफरेंस आया है दोस्तों 520 का, ठीक है। तो अगर दो वैकेंसी की बात करूं मैं तो 2018 में 300 वैकेंसी थी,
तो टोटल वैकेंसी कितनी थी 11,000। 2019 में 500 वैकेंसी हैं डबल एओ की, तो टोटल वैकेंसी 8500 थी। और 2020 में 250 और टोटल वैकेंसी 7035 हैं। और 2021 में 525 और टोटल वैकेंसी 7600। ठीक है, तो ये हम जो है डाटा लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट की 2018 में, 2018 में उस कैंडिडेट के 178 टीयर वन में थे, टीयर टू में 447 जो मैथ इंग्लिश और अकाउंट्स के पेपर को मिलाकर, और टीयर थ्री में 65, तो टोटल उसका स्कोर 691 बना था। तो टीयर थ्री में दोस्तों क्वालिफाई हुए थे 1408 कैंडिडेट, सीजीएल 2020 में टीयर थ्री में 1215 और सीजीएल 2021 में 2600 कैंडिडेट जो है पास होंगे, कितने में से, लगभग ये 4400 में से, ठीक है, 4400 में से, ठीक है, यानी कि उनमें से आधे का सिलेक्शन टीयर थ्री के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर वैकेंसी दोस्तों कितनी है, 525 है, ठीक है। तो डिपेंड किस पे करता है, कट ऑफ वैकेंसी के ऊपर, नॉर्मलाइजेशन के और पेपर के लेवल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर दोस्तों मैं सीजीएल 2020 की बात करूँ, ठीक है, 2018 का मैंने बता दिया, सीजीएल 2020 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर टीयर वन की कट ऑफ 161 और फाइनल कट ऑफ जो है 527, ये जो है एक्सपेक्टेड है और ये ऑफिशियल है। तो 625 जो है ये भी ऑफिशियल है। टीयर थ्री की कट ऑफ जो दोस्तों 2020 में 625 आई है, ठीक है। तो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ 527 नॉर्मल के लिए। तो 625 से ऊपर दोस्तों कितने कैंडिडेट थे, टोटल 508 कैंडिडेट जो ऐसे हैं जो 625 से ऊपर निकल के आए हैं, ठीक है, 508 कैंडिडेट। तो यहाँ पर यूआर के कैंडिडेट 219 और ओबीसी के 161 और ओबीसी के 112, ठीक है। बाकी डिटेल में दोस्तों 2020 की डब्ल्यू की कट ऑफ मैं ऑलरेडी बना चुका। तो अगली बात कर लेते हैं दोस्तों टीयर थ्री की, 2018 में यहाँ पर टीयर थ्री की कट ऑफ जो है 686 थी, यानी कि टीयर थ्री की कट ऑफ से यहाँ पर सिर्फ फाइनल कट ऑफ में डिफरेंस आया था 5 नंबर का। तो 686 से दोस्तों यहाँ पर टोटल कैंडिडेट उस टाइम थे 760, ठीक है। वहीं पर अगर पिछले की बात करूँ तो 625 से ऊपर कितने आए थे दोस्तों, 508 कैंडिडेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिला करके, तो यानी कि 2020 की जो फाइनल कट ऑफ दोस्तों हमने निकाली है जो पिछली वीडियो में, तो वो निकल के आई है 645, 629 और 632 और एससी की 585 और 560, ठीक है। तो ये सीजीएल 2020 की निकल के आई है, ठीक है, ये सीजीएल 2020 की दोस्तों। अब आगे बात कर लेते हैं, तो यहीं पर अगर सीजीएल 2021 का अगर हम डाटा को देखेंगे, सीजीएल 2021 में जो कि आपकी पोस्टें हैं 335 और 190, 525 यानी कि कुछ पोस्टें कमर्शियल के लिए होते हैं, शायद ये 190 कमर्शियल के लिए हैं। तो अगर टीयर वन के कट ऑफ की बात करूं तो यहाँ पर जर्नल यूआर की 159, ओबीसी की 153, ईडब्ल्यूएस की 156 और एससी की 136 और एसटी की 131। तो यहाँ पर टोटल जो कैंडिडेट पास हुए हैं टीयर वन में 10971। तो 159 से ऊपर दोस्तों यहाँ पर कितना आंकड़ा निकला आपका, 159 से 5400 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 159 से ज़्यादा नंबर हैं, ठीक है, 159 से ज़्यादा नंबर है। तो यहाँ पर टीयर वन में क्वालिफाई 10971, टीयर थ्री में 79269 और यहीं पर टीयर टू में यानी कि 4452, यानी कि कंपटीशन कितना बड़ा, 525 कैंडिडेट लेने हैं कितने में से, 4442 में से। तो यानी कि यहाँ पर जो कंपटीशन की बात करूँ तो लगभग 9 गुना कंपटीशन है, ठीक है, 8 से 9 गुना कंपटीशन है यहाँ पर, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, तो ये मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें, ये भी बता दिया, ये भी मैंने आपको समझा दिया, अगली चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो फाइनल निचोड़ एक तरह से निकल के आता वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनल निचोड़ ये है कि 2018 की जो डबल ए की कट ऑफ है वो 69691 और 2020 की एक्सपेक्टेड 645, ओबीसी की 656 ये ऑफिशियली है और ये एक्सपेक्टेड है, तो 629 और ईडब्ल्यूएस की 632, एससी की 585 और एसटी की 560, ये ऑफिशियल डाटा है दोस्तों, ठीक है। तो यहीं अब हम 2021 की एक्सपेक्टेड देखेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों 547 जो है 2018 की फाइनल कट ऑफ थी डब अदर देन द एओ, ठीक है, और एओ की कट ऑफ यहाँ पर 691 थी। तो यहाँ पर दोस्तों डिफरेंस जो निकल के आया था वो 140 का निकल के आया था और वैकेंसी आपकी कितनी थी,
2019 में की ये फाइनल कट ऑफ 628 थी और डबल एओ की कट ऑफ 743 थी। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस 110 आया दोस्तों, तो यहाँ पर वैकेंसी कितनी थी 500। 2020 में ये एक्सपेक्टेड 527 कट ऑफ निकल के आई है, 645 डबल एओ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकल के आई है, तो यहाँ पर डिफरेंस 115 का और वैकेंसी आपकी 250। तो यहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों कि मैथ और इंग्लिश और अकाउंट्स के पेपर में, तो मैथ्स पहले से 20 नंबर इजी जो है कैंडिडेट के द्वारा बताया जा रहा है, 7 नंबर इंग्लिश जो है हार्ड बताई जा रही है, 12 नंबर अकाउंट्स का पेपर हार्ड बताया जा रहा है। तो यानी कि ऑल ओवर जो इफेक्ट है दोस्तों, ऑल ओवर सेम सा इफेक्ट है, ठीक है, कोई एक दो नंबर दो तीन नंबर आगे पीछे कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है, ऑल ओवर जो इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ। तो 2021 में दोस्तों ये 115 है, क्यों, चूँकि वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। 2018 से हम कंपैरिजन करें अगर, और 2020 से अगर कंपैरिजन करें, तो यहाँ पर हमने 115 निकाली है, ठीक है। तो यहाँ पर 2018 और 19 में दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का मेथड अपनाया गया था, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का मेथड अपनाया गया था। तो यहाँ पर लगभग 30 नंबर का जो है हम अप्रोक्सीमेटली नॉर्मलाइजेशन टीयर टू में हो गया होगा, ठीक है, मैथ और इंग्लिश के पेपर में दोनों को मिला करके। तो यहाँ पर 2021 में जो डिफरेंस हमने माना वो दोस्तों वो माना है 105, ठीक है। तो यहाँ पर 540 जो है अप्रोक्सीमेटली, हालांकि 2021 की जो फाइनल कट ऑफ वो माना कि 548 माइनस का 8 और प्लस का 7, तो हमने नीचे वाला सतर लिया है 540 वाला, ठीक है, 540 वाला। और इसकी कट ऑफ की दोस्तों वीडियो भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अदर देन द डबल ए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 105 अगर हम ऐड करेंगे तो ये कट ऑफ निकल के आई दोस्तों 645 आपकी सीजीएल 2021 के लिए। यहाँ पर वैकेंसी आपकी कितनी है 525। अगर यहाँ पे दूसरे फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो टीयर वन में यहाँ पर 2018 में 170 थी, टीयर वन में 170 कट ऑफ थी, और टीयर टू और टीयर थ्री और अकाउंट्स के पेपर को मिलाकर 520 नंबर इसके अंदर ऐड हो गए, तो 690 कट ऑफ निकल के आई। 2020 में दोस्तों 167 थी, 478 मार्क्स ऐड होकर के 645 निकल के आई है। और यहीं पर 2021 में आपकी टीयर वन की कट ऑफ 159 थी, तो 473 अगर हम इसके ऐड करेंगे तो 632 कट ऑफ निकल के आई है। यानी कि दो फैक्टर से दोस्तों आपकी कट ऑफ निकल गई है, यहाँ पर एक कट ऑफ आपकी 632 और 645, यानी कि इन दोनों के मध्य जो है कट ऑफ हमने मानी है, ठीक है। अब इन दोनों के मध्य अगर कट ऑफ मान करके जो है दोस्तों फाइनल कट ऑफ की हम की तरफ बढ़ लेते हैं, तो यहाँ पर जो आपकी एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ 2021 की निकल के आई है वो 632 645, इसी के अकॉर्डिंग और सारी कट ऑफ जो मैंने बना दी हैं। तो ओबीसी की 623 और यूआर की 635, ईडब्ल्यूएस की 625, एससी की 570 और एसटी की 545, ठीक है। तो ये दोस्तों आपकी कट ऑफ निकल के आई है सारी की सारी, ये 10-11 स्लाइड्स में जो है बनी है, ठीक है। तो ये ऑल ओवर इफेक्ट मैंने आपको बता दिया, तो जिस जिसका इतना स्कोर बन रहा है अप्रोक्सीमेटली यही कट ऑफ जाने वाली है। तो बाकी तो टीयर वन टीयर टू टीयर थ्री के कट ऑफ उसके बाद आने के बाद और अच्छा एनालिसिस इसके ऊपर किया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, थैंक यू।